माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन परिवारों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। आवासियों के स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा करने प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिससे हर गरीब परिवार अब पक्की छत के नीचे खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। प्रधानमंत्री जी के सबको पक्का मकान के संकल्प को साकार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक 38 लाख से अधिक स्वीकृत आवास में से 33,49,000 लाभार्थियों को इस योजना में स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय युक्त पक्के घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्व सुविधा पूर्ण आवास उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हों, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्री कार्य कर रहे हैं, जबकि 10,000 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जारी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पात्र परिवार को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन आसान भी हो रहा है।